अलवर की राजनीति में बड़ी हलचल नजर आने लगी है। जैसे ही अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, उसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर खाने विरोध के स्वर भी शुरू होने लगे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए करण सिंह यादव व संदीप यादव टिकट मांगने की दौड़ में सबसे आगे थे, तो वहीं डॉक्टर करण सिंह यादव दो बार अलवर के सांसद रहे हैं, तो वहीं संदीप यादव सरकार में बड़े पद पर रहे हैं, साथ ही तिजारा से विधायक रहे हैं। ऐसे में करण सिंह यादव को पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। इसके लिए करण सिंह यादव ने कई बड़े नेताओं से संपर्क किया, फिर चाहे वो लालू यादव हो या पार्टी के अन्य कोई नेता हो। उनके आश्वासन के बाद करण सिंह यादव खुद को आश्वस्त मान रहे थे कि पार्टी इस बार उनको टिकट देगी, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई, पार्टी में अंदर खाने विरोध शुरू हो गया। करण सिंह यादव ने जितेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व अलवर के महाराज जितेंद्र सिंह के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति चल रही है। वो नहीं चाहते कि कोई नेता उनसे आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने करण सिंह की राजनीति समाप्त कर दी व उनको टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जब भी वो चुनाव जीते हैं, उसके अगले चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया हो, चाहे वो उपचुनाव हो या सांसद का चुनाव हो। करण सिंह यादव विधानसभा चुनाव में भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ खुलकर बयान दे चुके हैं, बिगुल खोल चुके हैं। इसलिए करण सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने बोला था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप यादव भी अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से अंतिम समय तक लगातार उनको आश्वासन दिया गया, वो सभी नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन पार्टी ने उनके साथ छल किया है। ऐसे में साफ है कि अलवर में कांग्रेस की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ललित यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ललित यादव पहली बार मुंडावर से विधायक बने हैं, तो वही पार्टी के युवा चेहरा हैं। दूसरी तरफ उनके सामने भूपेंद्र यादव हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, खासा अनुभव है, लगातार लंबे समय से राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं। पार्टी में चल रही अंदरखाने फूट का नुकसान ललित यादव को उठाना पड़ सकता है, तो वहीं करण सिंह यादव व संदीप यादव पार्टी की सभी मीटिंगों से भी गायब हैं। ऐसे में आगामी राजनीति पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।